हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, ओके। टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट फाइंड करना। ओके, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड करना सीखा था, आज हम क्या सीखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करना सीखेंगे कौन सा मेथड? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, अब तक हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड, और अब सीखेंगे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें जो आइडेंटिटी हमने सीखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक आइडेंटिटी हमने सीखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या है क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इक्वेशन एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे करेंगे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एग्जांपल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब जो मेथड है हमारा स्केयरिंग मेथड का करने का, अब देखिएगा बच्चों क्या है। सबसे पहले हम क्या चेक करते थे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वन है, वन होना चाहिए हमारा, ये सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और हमारा कोई भी फैक्टराइजेशन करने का और स्केयरिंग कंप्लीटिंग स्केयर मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है, एक्स स्केयर का जो कोफिशेंट है वो वन होना चाहिए। अब वन है, ऑलरेडी वन है, तो हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम स्केयरिंग मेथड में, ये वाली वैल्यू एक्स स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई ax। अब 2 को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2। ओके, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर हमने 2 डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे क्या करें हम, जो यहाँ पे वैल्यू हमारी 3 की मल्टीप्लाई करें, और ये बन जाएगा हमारा 3/2। ओके, मींस ए बन गया हमारा एक्स और बी बन जाएगा हमारा 3/2 और 2ab। ओके, जो हमारा बी है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे बैलेंस करने के लिए, 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 1 एज इट इज। अब देखिएगा बच्चों, अब ये ए है हमारा, ये बी है, 3/2, ये जो 2 है ये आ जाएगा हमारा 3/2, ये जो b हो गया हमारा ये। अब देखिएगा a b 3/2 का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या मिल गया हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर। ओके, और ये क्या है हमारा a, और ये a का स्क्वायर, देखिएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या स्टेप किया हमने, सबसे पहले देखिएगा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है उसको 1 बनाया हमें, 1 था ऑलरेडी, हमें बनाने की आवश्यकता नहीं थी, तो हमने किया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, एक्स क्या है a। अब 2 को बैलेंस करने के लिए हमने डिवाइड किया 2, ओके, 2 बैलेंस हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा एक्स पर। ओके, जो हमारे यहाँ पे 3 है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, क्या बन जाएगा हमारा b, जो 3/2 है उसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर,
अब देखिएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी हमारी आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, ये आइडेंटिटी बन गई हमारी, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर इस वाली वैल्यू को यहाँ तक, और हमारे पास बचेगा माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस वन। अब क्या करेंगे बच्चों, हम एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व करते हैं, तो क्या बनेगा हमारा एक्स प्लस थ्री बाई टू का स्क्वायर, ये होगा हमारा थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का स्क्वायर फोर प्लस वन। एलसीएम लिया हमने यहाँ पर फोर, तो यहाँ पे आएगा हमारा नाइन, वन फोर जा फोर, फोर वन जा फोर प्लस, और यहाँ था हमारा नाइनस, तो ये मिलेगा हमें x प्लस थ्री बाई टू का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस, नाइन के साथ क्या है माइनस है, तो ये मिल जाएगा हमें माइनस फाइव बाय फोर। ओके, माइनस फाइव बाय फोर। अब देखिएगा माइनस फाइव बाय फोर है, अगर हम इसको स्क्वायर में लिखें, यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिल गया यहाँ से, x प्लस थ्री बाई टू का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं माइनस रूट फाइव बाय फोर को लिख सकते हैं हम टू, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, इस वाली वैल्यू को माइनस फाइव बाई फोर को हमने लिख लिया रूट फाइव बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ये वाली पूरी टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ये वाली। ओके, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री बाई टू प्लस रूट फाइव बाई टू इंटू एक्स प्लस थ्री बाई टू ए माइनस बी, माइनस क्या है रूट फाइव बाई टू, ये मिल गए हमारे फैक्टर। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जीरोज फाइंड कर सकते हैं। जीरोज फाइंड क्या करेंगे बच्चों, जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। अब देखिएगा यहाँ से सोल्व करते हैं हम, यहाँ पे मिलेगा हमें एक्स प्लस टू एलसीएम, तो थ्री प्लस रूट फाइव मिल गया हमें यहाँ पर, और यहाँ पे हमें मिल गया एक्स प्लस टू एलसीएम आया हमारा यहाँ पर थ्री माइनस रूट फाइव। ओके, और यहाँ से जीरो फाइंड करें एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस थ्री प्लस रूट फाइव बाय टू, और दूसरा जीरो हो जाएगा हमारा एक्स माइनस थ्री माइनस रूट फाइव बाय टू, ये हमारे जीरो जा गए बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जांपल से और समझते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व कर रहे हैं हम, रूट फाइंड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कुछ एग्जांपल्स लेकर समझ रहे हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, देखिएगा एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने लिया एग्जाम्पल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। अब देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब एक्स स्क्वायर का साथ कोफिशेंट है थ्री, तो हम क्या करेंगे इसमें, इस थ्री को वन बनाएंगे, तो वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, थ्री डिवाइड बाय थ्री, थ्री से डिवाइड किया हमने तो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाय थ्री एक्स प्लस टू बाय थ्री इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या है इसमें हमारा स्टेप करने का,
एक्स स्क्वायर को हमने लिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास है माइनस टू इंटू एक्स ए है हमारा ए। अब इस टू को बैलेंस करने के लिए हम डिवाइड टू कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हम फाइव बाय थ्री। अब फाइव बाय थ्री क्या हो गया हमारा, फाइव बाय सिक्स, तो ये हो जाएगा हमारा फाइव बाय सिक्स। तो ए क्या हो गया हमारा एक्स और बी हो गया हमारा फाइव बाय सिक्स। तो जो बी है बी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फाइव बाय थ्री का स्क्वायर माइनस फाइव बाय थ्री को का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि बी क्या है हमारा फाइव बाय थ्री, तो बी का स्क्वायर ऐड किया हमने बी को और बी को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया बी की जो वैल्यू है। तो अब ये देखिएगा हमारा ये जो वाला पोर्शन है ये बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सॉरी फाइव बाई थ्री नहीं, थ्री टू जा सिक्स, यहाँ पे सिक्स हो गया बच्चों, थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स हो जाएगा, तो बी की वैल्यू होगी हमारी सिक्स। तो जो बी की वैल्यू है उसका स्क्वायर और उसी को सब्ट्रैक्ट, उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो b की वैल्यू होगी हमारी 5 बाई सिक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा इस वाले पोर्शन को हम लिख सकते हैं x माइनस फाइव बाय सिक्स का होल स्क्वायर, देखिएगा यही मिलेगा हमें x का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास बचा प्लस टू बाय थ्री। ओके यहाँ से मिल गया हमें माइनस फाइव का स्क्वायर, ओपन करेंगे तो ट्वेंटी फाइव इस फाइव का, और यहाँ से मिल गया हमें थर्टी सिक्स, सिक्स का स्क्वायर प्लस टू बाय थ्री। ओके अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आएगा क्या आएगा, थ्री और थर्टी सिक्स का अगर हम एलसीएम ले क्या आएगा, 36 इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा x माइनस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमने एलसीएम लिया माइनस 36, ये एज इट इज़ हमारा 25, ये आएगा हमारा 3, 12 डिवाइड करेंगे तो 36 को 12 आएगा, 12 टू जा 24। ओके अब यहाँ से हमें क्या मिला बच्चों, इसको फर्दर सोल्व करने पर x माइनस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फोर, ये माइनस का है तो हमें मिलेगा माइनस वन बाय थर्टी सिक्स। ओके और वन बाय थर्टी सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x माइनस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर माइनस वन बाय सिक्स का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बन गई हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके इसको हम लिख सकते हैं बच्चों एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब लिख सकते हैं ए की वैल्यू क्या है एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स प्लस बी की वैल्यू है वन बाई सिक्स, और इसको लिख सकते हैं हम एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स माइनस वन बाई सिक्स। ओके अब देखिएगा बच्चों अगर ये वैल्यू वैल्यू को हम सोल्व करें तो क्या आएगा x माइनस सिक्स माइनस फाइव, यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस फाइव प्लस वन, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस x माइनस फोर बाई सिक्स और यहाँ से मिल जाएगा हमें x माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस वन, ये मिल गया हमें x माइनस सिक्स बाई सिक्स और सिक्स से सिक्स कैंसिल, तो हमें मिल गया बच्चों टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स x माइनस टू बाई थ्री और यहाँ से मिल गया x माइनस वन, तो जीरो जा गया हमारा x इक्वल टू टू बाई थ्री
एंड एक्स इक्वल टू वन, ये हमारा जीरोज होगा। ओके जीरोज आ गया हमारा, ओके ये आ गया हमारा जीरोज। एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री एंड एक्स इक्वल टू वन, तो क्या किया हमने बच्चों, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट था उसको वन बनाया, और हमने बनाया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री। अब इस वाली टर्म को हमने एक्स स्क्वायर ए माइनस टू इंटू ए क्या है एक्स, और टू को बैलेंस किया हमने, टू से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया इस वाली टर्म को फाइव बाई थ्री, फाइव बाय थ्री। ओके ये जो वैल्यू बनती है हमारी टू ए बी बनती है, इस वैल्यू से, इस वैल्यू को हमने टू ए बी बनाया पहले। फाइव बाई सिक्स को हमने फाइव बाई सिक्स का स्क्वायर किया, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वाला जो पोर्शन था हमारा आइडेंटिटी बन गया एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व किया तो हमें मिला माइनस वन बाय थर्टी सिक्स, और वन बाई थर्टी सिक्स को लिखा हमने वन बाय सिक्स का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ से हमने जीरोज फाइंड कर लिया। ओके ये था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके बच्चों अब देखिएगा हमारी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कैसे करेंगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आइडेंटिटी का यूज कर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज कर हम क्या फाइंड करेंगे, रूट फाइंड करेंगे। ओके जीरोज फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन फर्स्ट पढ़िएगा एक बार बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का, फर्स्ट पार्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें रूट फाइंड करना है टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, ये है हमारे पास। ओके तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है बच्चों उसको हम वन बनाएंगे, तो डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय टू, तो टू से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मिलेगा हमें, वन हो जाएगा, टू से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, माइनस सेवन बाय टू एक्स प्लस थ्री बाय टू। अब इसको फॉर्म को लिखेंगे हम आइडेंटिटी के रूप में, तो एक्स स्क्वायर है तो हम इसको लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन लिया हमने। ओके अब टू मल्टीप्लाई ए एक्स, ओके ए क्या है x, अब इस 2 को बैलेंस करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 2 से, ओके फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम जो ये टर्म है 7 बाई टू। ओके तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल गया बच्चों, a का वैल्यू मिल गया x और b का वैल्यू मिल गया हमें 7 बाय फोर। अब जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू 7 बाय फोर है, तो 7 बाय फोर का हम स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस सेवन बाय फोर का स्क्वायर, और जो ये वैल्यू है हमारी प्लस थ्री बाय टू एज इट इज। समझ में आया बच्चों, देखिएगा हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को हमने ए माना, ए क्या है एक्स, माइनस साइन लिया टू मल्टीप्लाई ए, अब इस टू को बैलेंस करने के लिए हमने डिवाइड किया टू, ओके ये बैलेंस है हमारा। अब यहाँ पे हमारा 7 बाई टू था उसकी मल्टीप्लाई किया तो b की वैल्यू मिल गया हमें 7 बाई फोर, और 7 बाई फोर के स्क्वायर को हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 7 बाई फोर का स्क्वायर। ओके और जो ये वाला पोर्शन था हमारा, ये मिल गया हमें ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस
सेवन बाय फोर का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू आएगी हमारी एज इट इज सेवन बाय फोर का स्क्वायर प्लस थ्री बाय टू। ओके, उसके बाद हम सोल्व करेंगे बच्चों, देखिएगा x माइनस सेवन बाई फोर का स्क्वायर एज इट इज, ये सोल्व किया हमने माइनस सेवन का स्क्वायर 49, फोर का स्क्वायर 16 प्लस थ्री बाय टू। ओके, यहाँ पे जो एलसीएम आया हमारा, यहाँ पे सोल्व करते हैं हम इसको, x माइनस सेवन बाय फोर का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो माइनस 16 एलसीएम आया हमारा, तो यहाँ से मिल गया हमें 49, और ये मिल गया हमारे 2 8 16 प्लस 8 × 3 = 24। ओके, अब यहाँ से प्लस माइनस करने पे हमें मिलेगा एक्स माइनस सेवन बाय फोर का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 49 माइनस का है। ओके, तो यहाँ से मिल गया हमें माइनस 25/16। ओके, प्लस माइनस माइनस, तो 25 को हम लिख सकते हैं 25/16 को एक्स माइनस सेवन बाय फोर का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर, 25 हमारा 5 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं यहाँ से हमें आइडेंटिटी मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस वाली फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स माइनस सेवन बाय फोर प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 5/4, ए प्लस बी इंटू ए, एक्स माइनस सेवन बाय फोर माइनस बी 5/4। अब फर्दर सोल्व करेंगे हम इस वाली वैल्यू को, तो यहाँ से एलसीएम मिलेगा हमें 4, तो यहाँ पे मिल गया हमें माइनस सेवन प्लस फाइव माइनस 2/4, और इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स माइनस प्लस माइनस 12/4। ओके, यहाँ से कट कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, 4 1 4 4 3 12, तो ये जो वैल्यू आई हमें एक्स माइनस 1/2 एंड एक्स माइनस 3, तो यहाँ से जीरोज हमारे जो होंगे, रूट जो होंगे हमारे, वो क्या होंगे, एक्स इक्वल टू 1/2 और एक्स इक्वल टू 3, क्योंकि जीरो के साथ इक्वेट करेंगे बच्चों, जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 1/2 एंड एक्स इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड पार्ट हमारा, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखिएगा, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सेकेंड पार्ट है ये क्वेश्चन फर्स्ट का, 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड क्या कहता है, सबसे पहले x² का जो कोफिशेंट है उसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड किया हमने, क्या आया x² प्लस x/2 माइनस 4/2, तो यहाँ से मिल गया 2 2 4 इक्वल टू 0, तो हमें इक्वेशन मिल गया x² प्लस x/2 माइनस 2। अब इससे हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये वाला साइन हमारा प्लस, 2 × ए एक्स, और इस 2 को बैलेंस करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 2,
ओके, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस। अब क्या होगा देखिएगा, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, जो यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 1/2। ओके, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस वाली वैल्यू से यही वैल्यू मिलेगी हमें। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बाई टू मिलेगा। तो अब a की वैल्यू क्या आई हमारी x, और b की वैल्यू जो हो जाएगी 1/4। तो अब इसमें क्या करें हम, प्लस 1/4 का स्क्वायर ऐड कर दे और माइनस कर दे 1/4 का स्क्वायर, और -2 हमारा एज इट इज। ओके, अब देखिएगा बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये क्या बन गया हमारा, आइडेंटिटी बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये 1/2 इंटू 2 क्या हो गया 1/4, 2ab। ए क्या है, x है, b क्या है 1/4 है, 2ab प्लस 1/4 का स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी बनी हमारी, x प्लस 1/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस वाले पोर्शन को, और यहाँ से हमें मिल गया -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, और -2 एज इट इज हमारा। ओके, अब सोल्व करेंगे बच्चों यहाँ पर, x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस, एलसीएम आया हमारा 16, यहाँ पे वैल्यू आई हमारी 1, यहाँ पे वैल्यू जो आएगी हमारी 1, 16 जा 16, 16 टू जा 32, -32। अब माइनस माइनस प्लस क्या मिल जाएगा हमें, x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 33/16, ये हमें मिल गया। अब इस वाली वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिएगा, x प्लस 1/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस √33/16। तो इसको लिखेंगे हम √33/16 को लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर। ओके, -1 -32 हो गया था हमारा -33/16, और -33 को हमने लिख लिया √16 को लिखा 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 33 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 33/16। ओके, अब ये जो आइडेंटिटी बनी हमारी, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब ए की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स प्लस 1/4, और बी की वैल्यू है हमारे पास √33/4, ये आ गया हमारा इंटू एक्स प्लस, ए की वैल्यू है 1/4 माइनस बी की वैल्यू है √33/4। अब ये वैल्यू दोनों को कांस्टेंट है, सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आएगा x प्लस 4 1 प्लस √33 ओके बाय 4, ये वैल्यू आ गई हमारी सोल्व करने पर, और यहाँ से मिल जाएगा हमें x प्लस 1 माइनस √33/4। ओके, जीरोज फाइंड करना है तो x इस वैल्यू को जीरो से इक्वेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस √33/4, एक रूट मिल जाएगा हमें, ये यहाँ से मिल जाएगा हमें x इक्वल टू -1 माइनस √33/4, ये रूट आ गए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, समझ आया बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का 2nd पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 4x² + √3x + 3 = 0। घबराना नहीं है बच्चों, रूट में वैल्यू है तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले हमारा वही स्टेप, सेम स्टेप, 4 से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है उसको 1 बनाएंगे, तो डिवाइड करेंगे हम किससे, 4 से, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे मिलेगा 4 से डिवाइड करेंगे तो √3x, और यहाँ पे मिल गया हमें 3/4 = 0। ओके, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है हमारे पास x² √3x, इसको आइडेंटिटी फॉर्म में बनाते हैं। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं हम x² + 2 * a, a क्या है x, और इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 को बैलेंस करने के लिए डिवाइड करेंगे 2 से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, b की वैल्यू √3, अब ये वैल्यू क्या आएगी हमारी √3x, यही मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3x ही मिलेगा, तो a की वैल्यू होगी हमारी x और b की वैल्यू होगी हमारी √3/2। अब जो b की वैल्यू हो वैल्यू है उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसके स्क्वायर को, -√3/2 का स्क्वायर +3/4 = 0। ओके, ये मिल गया हमें, और इस वाली ये वाला पोर्शन जो है हमारा ये बन गया हमारा आइडेंटिटी, a² + 2ab + b². ओके, अब देखिएगा हमने क्या किया, a² + 2 * a x, इस 2 को बैलेंस किया हमने 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारी उससे मल्टीप्लाई किया। अब देखिएगा यही वैल्यू मिल जाएगी हमें इस फॉर्म से, 2 * x, 2 से 2 कैंसिल, √3x ही मिलेगा हमें। ओके, अब इसको लिखेंगे हम x + √3/2 का स्क्वायर, और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी -√3/2, ये कैंसिल हो जाएगा रूट से स्क्वायर से, तो हमें मिलेगा 3/4, और यहाँ पे मिलेगा हमें +3/4 = 0। फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x + √3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 4 LCM हमारा -3, और ये मिल गया हमें 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिला 0/4, तो x + √3/2 हमें मिला, और यहाँ पे -0/4 मिल गया। तो हमारे जो रूट आए बच्चों, रूट आए इसमें x + √3/2 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं x + √3/2 * x + √3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इस वाली वैल्यू की 2 बार मल्टीप्लाई है, स्क्वायर है तो इसके रूट जो मिलेंगे जब इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x - √3/2, और इससे भी हमें क्या मिलेगा, -√3/2, तो सेम रूट आए हमारे इसमें 2। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। लास्ट पार्ट देखिएगा हमारा इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है बच्चों, 2x² + x + 4। ओके, इसके हमें रूट फाइंड करना है, तो रूट फाइंड करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में x² को 1 कोफिशेंट को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से हमें मिल गया बच्चों x² + x/2 + 4/2, 2 2 = 4,
तो यहाँ से हमें मिला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्वेड जीरो एक्स बाई टू प्लस टू। अब इसको हम आइडेंटिटी फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए एक्स ओके, और इसको बैलेंस करेंगे हम टू को, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा वन बाई टू, तो वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा इसको सोल्व करने पे हमें ये ही मिलेगा, टू से टू कैंसिल एक्स बाई टू मिलेगा। अब हमारा ए का वैल्यू हो गया एक्स और बी का वैल्यू हो गया बच्चों वन बाई फोर। जो बी का वैल्यू है उसमें क्या करेंगे हम, उसका स्केयर को ऐड करेंगे, वन बाई फोर का स्केयर माइनस वन बाई फोर का ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके स्केयर को, बी के स्केयर को ओके, ताकि इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना आए। अब यहाँ से वैल्यू है हमारी प्लस टू इक्वल टू जीरो ओके। अब ये देखिएगा बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये आ गया हमारा आइडेंटिटी, ए का स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्केयर। तो लिख सकते हैं हम इसको एक्स प्लस वन बाय फोर का स्केयर, और यहाँ से हमें मिलेगा माइनस वन का स्केयर वन, फोर का स्केयर सिक्सटीन प्लस टू बाय वन इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इसको, एक्स प्लस वन बाय फोर का स्केयर माइनस एलसीएम लिया हमने यहाँ पे सिक्सटीन, तो ये मिला हमें वन और ये मिल गया हमें वन, सिक्सटीन जा सिक्सटीन, सिक्सटीन मल्टीप्लाई टू थर्टी टू, और यहाँ से हमें मिलेगा प्लस का एक्स प्लस वन बाई फोर का स्केयर प्लस माइनस ग्रेटर है हमारी थर्टी टू वैल्यू, तो यहाँ पे मिल जाएगा थर्टी वन बाई सिक्सटीन। अब इस यहाँ पे हमें प्लस का मिला बच्चों, प्लस का मिला तो हम इसको स्केयर में बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक्स प्लस वन बाई फोर का स्केयर प्लस रूट थर्टी वन बाय फोर का स्केयर। बट ये ए का स्केयर और ये बी का स्केयर, तो ऐसी तो हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होती ओके। जब यहाँ पे हमारा प्लस आ गया तो इसके जो रूट है वो रियल रूट फाइंड नहीं होंगे बच्चों ओके। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके जो रूट आएंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ओके, रियल रूट नहीं आएंगे, रियल रूट नहीं आएंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। तो ये हमारा क्या होगा, इसके रूट नहीं एग्जिस्ट करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट ओके। क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी आती तभी इसको हम रूट फाइंड कर सकते थे ओके। अभी क्या है, इसके जो रियल रूट है वो फाइंड नहीं होंगे ओके। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये था हमारा कंप्लीटिंग स्केयर मेथड ओके। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चों, प्रैक्टिस करना है, इसके बाद हम रूट फाइंड करना सीखें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ओके। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था। दो मेथड हम सीख चुके हैं रूट फाइंड करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सबसे पहले मेथड हमने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड है हमारा कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, और अब हमारा जो लास्ट वन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम रूट फाइंड करना सीखेंगे ओके। थैंक यू।